मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है? किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले वो मूर्ख पाप है। वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरु जी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। कैसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, आपके पिताजी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। उनकी क्या औकात, तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? क्यों, आओ यहाँ आओ, बात करो। ये गुरु जी कृपया रख लीजिए ना दास को, हाथ रख। जरूर जरूर रख लेंगे आपको हम, पर आपके पिताजी से बात करेंगे। कोटी कोटी नमन गुरु जी। क्यों बच्चों की क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे। और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। गुरु जी सारे दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है, शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मेरा जितना उतना ही कर लो, ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को कहते, प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इतना गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरु जी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं हम रख लेंगे, क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरु जी, ऐसे ही बोली जा रहे हैं। गुरु जी आपने कलकत्ता में कहा था कि एक बार सबको, तो दो तीन बार सबको मौका दो। हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो, इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था। ये दोनों बहुत ऐसे माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं है? ये ना भक्त संतों, दास को जो मर्जी कहता हूँ पर संतों को कुछ ना कहो। वाह कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। तो जहाँ अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो स्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा। हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको अंडा खाने की प्रेरणा दें या प्रोत्साहित करें, तो गलत ही है ना। आप वहाँ पढ़ने गए हैं कि अंडा का प्रोत्साहन पाने गए हैं, और माँ बाप के साथ आप रहोगे तो ये भी जो गलत राह पर हैं, आपके पिताजी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पहले इनकी शराब मांस आप छुड़वा देंगे अपने संस्कार से, और आप थोड़ा सा पढ़ाई जो आपकी माँ कहती है बेटा पढ़ो, तो माँ अपनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। घर में मांस मदिरा खाते तकलीफ तो हो। आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब खाते हैं घर में, सारे पूरा 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 घर बदबू बदबू से हो जाता है। उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। प्लीज गुरु जी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे अभी रख लीजिए ना। ठीक है अभी रख लेते हैं। ठीक है हाँ जी। क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है डर। गुरु जी क्या करें, घर में जो खाते हैं सभी खाते हैं। अरे तो सास ससुर भी खाते हैं, अभी जो है घर में स्थिति है वही चलेगी। तो सब मूर्ख हैं तो तुम भी। ये पूरा रात रात को दारू पी पी के आते हैं, बहुत पूरा पूरा कमरा बासता है। 3 कमरे हैं ना घर में, 2 ही कमरे, इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू बदबू वाला पूरा हो जाता है। तो बच्चे की खुशी के लिए ना, दास भक्त नामा वाले सुनता है तो भक्तों को गालियां देते हैं, ये क्या लगा लिया ये, बहुत गंदी गंदी गालियां देते, दास से बर्दाश्त नहीं होता। आपके घर में कोई संत का जन्म हुआ वो संत भाव में है, और आप लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं कौन से राक्षस हैं आप लोग। भाई बाप हो पर हो तो गलत ना, बाप हो पर बाप होकर भी तुम्हारी जितनी बुद्धि उसके पास है उतनी तुम्हारे बाप के पास नहीं है बुद्धि। तुम्हारा बाप भी अनपढ़ मूर्ख एक नंबर का जो शराब पीता है। गुरु जी सारे घर में बड़े पिताजी नीचे से लट्टू होकर के गिर गिर के नालियों में पड़ पड़ के आते हैं, बहुत गंदा लगता है दास को। सही है, रातों रात लड़ा। तुम्हारे वंश में कोई बहुत बड़ा पुण्य था किसी का कि ऐसा भक्त का जन्म हो गया, वरना तुम सबको यही बचाएगा नर्क जाने से, वरना तुम सीधे नर्क की टिकट कटी पड़ी है। वो भी नहीं खाता बच्चा आपके घर में, खाता है मांस? लहसुन प्याज भी नहीं खाता ये तो। फिर जब वो आपके घर में रहस के जिंदा हो सकता है, रह सकता है, तो आप लोग कौन से मर जाएंगे नहीं खाएंगे मांस? तो कभी पुण्य से कोई ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं बताओ, कोई भाई ऐसा बच्चा होता कोई
करोड़ों में कोई एक बच्चा है ऐसा, पर आप लोग समझ रहे हैं उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। गुरु जी से उदास सबके सामने कहना चाहता है कि अनादास अपना अपमान सह लेगा पर अपने गुरु का और अपने इष्ट का कभी अपमान नहीं सहेगा, इसलिए दास को मृत्यु ही मिले पर दास मेरे प्यारे संतों का अपमान नहीं होने देगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, सही है, इसलिए पर आपको पढ़ना भी है, ठीक है। गुरु जी कृपया रख लीजिए ना दास को। हाँ, बोल तो दिया हमने, रख लेंगे बिल्कुल, रहो। कब रखेंगे? अभी आ जाओ, अभी रहो, हमारे साथ चलना, करवा देंगे जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दास का। ठीक है।